ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक है, स्वास्थ्य रूप से? एकदम सही। तो मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, जो अपना विजिट आती है वो भी पूछती है, अक्षमय रूप से कोई भी और बाहर से भी ऑडिट आती है वो भी पूछते हैं, और यहाँ के एम्प्लॉय भी पूछते हैं उनके बारे में, जो दैनिक जीवन में अपन सेफ्टी के बारे में जो भी काम करते हैं उनके बारे में जो भी सच्चाई करते हैं उसके बारे में आपको कुछ सवाल पूछूंगा, आपको आपका संतोषजनक जवाब देना है, जो आपको याद हो या जो आपके दिमाग में ख्याल आए कि उसके बारे में ये समाधान हो सकता है। ठीक है, तो मैं सवाल पहला सवाल पूछूंगा, अपन कहते हैं पीपी पहन के आ जाओ, पीपी पहन के आ जाओ, या पीपी क्या होता है? बहुत बढ़िया, मतलब खतरे से बचने का एक मात्र क्या है? उपकरण। उपकरण है, ऐसे उपकरण जो क्या करते हैं, खतरों से बचाते हैं। अलग अलग काम के लिए अलग अलग उपकरण होते हैं, जैसे अपन हाइट पे काम करेंगे तो क्या पहनेंगे? सेफ्टी बेल्ट पहनेंगे, और अलग अलग काम करोगे तो अलग अलग हैंड ग्लव्स होते हैं, सीमेंट के काम करोगे तो अलग होंगे, इलेक्ट्रिकल के काम करोगे लेदर के ग्लव्स होंगे, अलग अलग होंगे। पाइप उठाने का काम करोगे तो कौन से होंगे? कॉटन वाले हैं, कौन से होंगे? कॉटन वाला। अलग अलग प्रकार के कामों में अलग अलग पीपीज होती है, पर हेलमेट, रिफ्लेक्सिव जैकेट एंड सेफ्टी शूज, ये तो सभी में, ये तो सभी में, सभी में। मतलब क्या, अब आपको एक शब्द में बताओगे क्या होगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसको क्या कहते हैं? पीपीज। ठीक है, स्वयं सुरक्षा उपकरण, जो अपन को दुर्घटना से बचाते हैं, दुर्घटना और अपने के बीच में माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है जो अपने को खतरों से बचाता है। तो पीपीज क्या हुआ, समझ में आया? समझ में आया। अपन दूसरा आपको सवाल पूछूंगा, टीपीटी क्यों करवाते हैं? आपको मुख्य रूप से जो ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करते हैं जब ऑगर हो चाहे एजेक्स हो, एजेक्स में बैक हॉर्न बजता है, एजेक्स में बैक हॉर्न है, तो एजेक्स का बैक हॉर्न बजते ही अपन पीछे चढ़ जाना है, भले ही कितना ही अर्जेंट काम क्यों ना हो, कितना भी अर्जेंट काम क्यों ना हो, भले ही पाइलिंग का बोल टूट जाए, अपनी सुरक्षा पहले हो, आपकी सुरक्षा होगी तो हमारा भी अस्तित्व है भाई। आप सेफ्टी वाले बंदे को पहले पकड़ेंगे आपने ध्यान नहीं रखा, या सुपरवाइजर को पहले पकड़ेंगे आपने ध्यान नहीं रखा, परमिट साइन किया हुआ है, परमिट एक कानूनी दस्तावेज है, परमिट साइन किया हुआ है, उसकी जिम्मेदारी रहेगी, और उससे भी ज़्यादा आपकी खुद की जिम्मेदारी रहेगी, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी खुद की है नहीं। आपको जो R&R कार्यक्रम होता है जिसमें आपको जो बढ़िया काम करेगा उसको कंपनी आपको सम्मानित करेगी, और आपको जो बढ़िया काम करेगा उसको इनाम देगी, तो अपन को पूरा समर्पण के साथ काम रोशन करना है, खुद का काम रोशन करना है, इतना काम तो कर सकते हो भाई, खुद के लिए तो इतना कर सकते हो। इसके अलावा जिस प्रकार फौजी होता है वो अपने देश की रक्षा करता है, वो परिवार की सुरक्षा को छोड़ देता है, मतलब तन मन धन और समर्पण, ज्ञान ज्ञान प्रकार एंड साम दाम दंड भेद कितने तरीके से देश की सुरक्षा करता है, अपन को तो खुद की सुरक्षा करनी है, खुद की सुरक्षा तो कर सकते हो। साइड इंजीनियर हो, किसी को भी जान नजदीक आपको देखें उनको सूचना देंगे ताकि वो आपको फर्स्ट एड देंगे, मतलब प्राथमिक उपचार देंगे, यदि मान लो कुछ होगा नहीं, ज़्यादा हो जाए तो अपना आपको जो भी सुविधा देंगे वो कंपनी की तरफ से नहीं सुविधा मिल जाएगी। आपको झिझक नहीं रखनी, जैसे मान लो लग गई ना आप सुबह रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको जैसे आज दिन तक कभी आपने काम किया कहीं कभी कोई एक्सीडेंट करनी नहीं आती, लगी हुई क्या काम?
अपना यूज किया जाता है, ठीक है, उस प्रकार अपन को काम करना है, ठीक है। कोई भी सेफ्टी में आपको माइनस पॉइंट हो तो मुझे बताना है। हेलमेट, जैकेट, पीपी है जो आपको आपके मास्क है, इनको डेली टाइम पे पैर पहन के रखना है, डेली टाइम पे पहन के रखना है। आज तक यहाँ काम किया कि अपना कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ, बहुत बढ़िया बात है। इसी चीज़ को पूरे प्लांट में रखना है, अपना नीति रहती है शून्य एक्सीडेंट, मतलब कोई भी एक्सीडेंट ना हो तो उसमें किसकी सहयोग रहेगा, आपका सहयोग रहेगा तब जाके एक्सीडेंट नहीं होगा, आपका सहयोग रहेगा। सबसे बड़ी घटना क्या होती है कि अपन क्या लापरवाही कर लेते हैं, भाई सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा, 20 साल से गाड़ी चला रहा हूँ सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा, मेरे को नहीं हुआ तो होता, जब एक्सीडेंट होता है तो बोलते होता है आज मैं हूँ, ऐसा नहीं होता है ना। तो अपन को जैसे डिफेंस ड्राइविंग ट्रेनिंग देंगे उसमें बताएंगे सीट बेल्ट का क्या महत्व होता है, गाड़ियों में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपन को रखना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए, अग्निशमन नहीं गाड़ी में होना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा विश्वास रखते हैं भाई, कोई भी बंदा एजेक्स चला रहा है, वो एजेक्स में सीट बेल्ट नहीं है तो वो नीचे कर गया तो एजेक्स उसके ऊपर से निकल गया तो निकल सकता है, अपन को और कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। जैसे अपन हाइट पे यहाँ पे काम तो नहीं है, जब हाइट पे काम होगा तो हाइट पर हमें आपको क्या करना है, सेफ्टी बेल्ट लगाना है, 20 मीटर